दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता कि YouTube पे बहुत सारा कंपटीशन है, आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हर यूट्यूबर्स के मन में यही आता है कि भाई क्या हम सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। सो गाइस, आज आपके इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। और आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो भाई मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं और आपको यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि पहली जो ट्रिक होने वाली है वो बिल्कुल काम की नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि काम की नहीं है तो इसे आपको देखना ही नहीं है, समझना नहीं है। अगर ये काम की नहीं है तो ये गलती से आप कभी अप्लाई मत कर लेना। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका YouTube करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो दूसरी ट्रिक है वो बहुत ही काम की ट्रिक होने वाली है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम बात करते हैं सबसे पहले दूसरी ट्रिक पे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जिनकी मैंने पिक्चर यूज की है, शिवार्थ राज शुक्ला 2.0, इनका यूट्यूब चैनल है, 4 महीने पहले इन्होंने ओपन किया था। तो इनका इतनी जल्दी चैनल ग्रो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यूट्यूब के एल्गोरिथम को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि भाई यहाँ पे क्या चीज चलती है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये गलत है या सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इनका यूट्यूब चैनल चेक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक दिन में 10,000 व्यूज है और 5,000 सब्सक्राइबर्स है। और पॉपुलर वीडियोज अगर आप देखोगे 43,000 9 दिन में, 32,000 3 दिन में, 24,000 3 दिन में और 32,000 व्यूज 3 महीने में है। तो गाइस, अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि इसमें आपको कोई ट्रिक बता रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं? सो गाइस, अगर आप इनके SEO ट्रिक देखेंगे तो वही ट्रिक है जो बहुत पहले मैंने इस ट्रिक पे वीडियो बना रखी थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बना रखी है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, इनके चैनल को कैसे ग्रो किया गया, पूरा चैनल एनालाइज करेंगे। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जब इन्होंने चैनल स्टार्ट किया था तब यहाँ पे आप देख सकते हो इनके व्यूज 600, 300, 200 आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो टेक चैंपियन के साथ इन्होंने कोलैब किया तो भाई इनके व्यूज फिर भी नहीं आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कंट्रोवर्सी में टेक चैंपियन स्पोर्ट की स्पोर्ट कर दिया, लेकिन थंबनेल कुछ अलग ही तरीके से है बना हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ और ही समझ में आएगा, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 9,000 व्यूज इसलिए आ गए। उसके बाद इन्होंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी कि इन्होंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो उतने अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे थे। उसके बाद भाई इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि भाई एक नेगेटिविटी, यानी कि थंबनेल पे एक नेगेटिविटी अपलोड करनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिकबेट कांटा क्रॉस मारा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 व्यूज। उसके बाद फिर से वापस इनके रूटीन व्यूज वही आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यू इनके व्यूज वही आ रहे हैं जितने इनके सब्सक्राइबर्स हैं उसके हिसाब से ही। उसके बाद इन्होंने एक और वीडियो बनाई ग्रीब MS ब्लॉग्स, क्योंकि उस टाइम पे ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 महीने होने के बाद अर्निंग वाली वीडियोज बहुत ज्यादा चलती है, आप सभी को भी पता होगा। तो गाइस, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 2100 व्यूज आए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे थंबनेल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक दूसरे को नेगेटिव इम्पैक्ट दिया जा रहा है, यानी कि किसी भी थंबनेल को बड़े तरीके से यूज किया जा रहा है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि भाई ये ट्रिक किस तरह से फॉलो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉलो आप करो या ना करो मैं आपको नहीं कहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी स्ट्रेटेजी कौन सी यूज कर रहे हैं, टेक चैंपियन स्पॉट की। भाई उन्होंने भी इसी तरह से अपने चैनल को ग्रो किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक वीडियो में इन्होंने किसी ना किसी तरीके किसी को डिग्रेड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े यूट्यूबर तुम्हें फंसा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टेक चैंपियन स्पॉट हो गया और एक्टिव राहुल और मनोज दे पे काटा मारा हुआ है, यानी कि ये लोग व्यूज क्यों देते हैं इनको, नेगेटिविटी के कारण। उन्होंने देखा कि भाई इन पे काटा मारे नेगेटिविटी के कारण आए और ये सबसे पहले अपनी वीडियो में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट डाल देते हैं। इन्होंने कुछ अलग किया, मैं हेट फैलाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, ये इनके लिए यूनिक है। गाइस, अगर आप यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी जो यूज किया है, इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से यूज किया, लेकिन मैं आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट भी बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो स्टेप ग्रो यूट्यूब चैनल है, उसकी पहली वीडियो ही वायरल हो गई थी एलग्रो की पिक्चर यूज करके। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर पे कोई वीडियो बनाते हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि भाई अगर आप उन पिक्चर को यूज करते हो तो उनके टैग्स रैंक करेंगे, उनकी जो ऑडियंस आपको देखने आएगी
वो भी सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। सपोज आप देखिए एलग्रो की फोटो यूज की, एलग्रो से रिलेटेड, एलग्रो को तो बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन आपको पता ही है कि 100 सब्सक्राइबर्स जो हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं सिर्फ हमें वही चाहिए होते हैं, उससे ही हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो भाई, किसी को भी डिग्रेड करो और व्यूज पाओ। ये ऐसी ट्रिक्स मेरी नजर में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप इसे यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अब जो पहली ट्रिक है मैं आपको वो बता देता हूं, आपको वो यूज नहीं करनी चाहिए भाई। अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो आपको खुद का फेस यूज ही नहीं करना है, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है तो आपके व्यूज नहीं आएगा। लेकिन आपको ये भी बता देता हूं कि आप अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हैं, अपनी फेस वैल्यू खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर जल्दी ग्रो होना है तो आप ट्रिक नंबर 2 यूज करिए। अगर आप ट्रिक नंबर 2 नहीं यूज करोगे या इसे कुछ अलग तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस थंबनेल में यूज किया है, इस वीडियो की, आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग चुका होगा कि आपको किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद।